नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। वाराणसी में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के संदर्भ में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी शिव की नगरी काशी है, जो त्रिशूल पर विराजित है। उन्होंने कहा कि शिव नगरी में किए जाने वाले विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है। काशी की पुरानी दिव्यता और भव्यता को निखारा जा रहा है। आप काशी में कहीं भी जाइए, एक ऊर्जा वाला माहौल उत्पन्न हो रहा है। चुग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन काशी में रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आ जाएंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी द्वारा प्रधानमंत्री को 13 दिसंबर को काशी के शिल्पकार द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भेंट की जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शिल्पकारों, बुनकारों और कसीरा वर्ग ने एक अनोखी अंग वस्त्र त्रिशूल ऊट क्राफ्टिंग द्वारा तैयार की गई कमल के अंदर शिवलिंग भेंट की जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद बनारस के लगभग 8 लाख परिवारों तक प्रसाद वितरण कराने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर लड्डू बनाने का काम चल रहा है। वाराणसी में 7,500 स्वयं सेवकों की टीम बनाई गई है, जो बनारस के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसाद पहुंचाएगी। हमारे संवाददाता ने वाराणसी के एक स्थान पर इसका जायजा लिया है। काशी विश्वनाथ के भव्य लोकार्पण के लिए यहाँ पे भक्तों के लिए प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि बनारस के 8 लाख से ज्यादा घरों में काशी विश्वनाथ का प्रसाद जाएगा, घर घर प्रसाद जाएगा, और बनारस के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे ये प्रसाद बन रहा है। देखिए, मेरे पीछे जो महिलाएं हैं, ये लड्डू बना रही हैं बाबा के प्रसाद के लिए, और साथ में ये गाना भी गा रही हैं, सोहर गीत भी गा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका जो उत्साह है बाबा के प्रसाद बनाने के लिए, एकदम जो है उत्साह से लबरेज हैं, और एकदम साथ में सोहर के साथ प्रसाद बना रही हैं। जिस तरीके से 13 दिसंबर को काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आएंगे और भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो शिलान्यास, माफ करिएगा, जो लोकार्पण करेंगे, वो वाकई देखने लायक होगा। और साफ तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए पैकिंग का भी काम चल रहा है। तमाम लोग जो है लड्डू के पैकेट्स बना रहे हैं, उसमें फिर लड्डू पैक होके जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 8 लाख से ज़्यादा परिवार में ये काशी विश्वनाथ का प्रसाद बटेगा। लगभग 7,500 स्वयं सेवक घर घर जाएंगे और इस प्रसाद का वितरण करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जिनके देख रेख में प्रसाद बन रहा है, एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? अंकित सिंह जी। भी अंकित जी, बताएं कब से काम चल रहा है ये? सर जो है 2 दिसंबर से जो है हम लोग को मिला है बनाने का ऑर्डर। हमारी संस्था महादेव लालपेड़ा भंडार ऑलरेडी जो है मंदिर में प्रसाद का कार्य करती है, वहाँ लालपेड़े का वितरण करते हैं। तो जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से जो हम लोग को आदेश मिला है कि जो 1 लाख पैकेट लड्डू को तैयार करना है। आप जैसे कई लोग बना रहे हैं, हमारी जो जानकारी में है कि काफी लोग बना रहे हैं, कई जगह बन रहा है, तो कैसा लग रहा है बाबा का प्रसाद जो आप बना रहे हैं, आपको कैसा महसूस? एक बहुत ही स्पेशल अनुभूति है, जिसको आदमी जो है शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।